हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दैट. क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड एट पॉइंट 141. हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है 141 पॉइंट पर. अगर फाई हमें लेवल सरफेस गिवन है तो हमें पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो मैक्सिमम होता है वो ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की दैट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई. ये रिजल्ट हमने किया था. अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो हम पहले डेल फाई फाइंड आउट करेंगे. फाई इज एक्स स्क्वायर वाई जेड. वी नो डेल फाई इज गिवन बाय कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स आई कैप, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई जे कैप, कर्ली फाई बाय कर्ली जेड के कैप. फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2x आ जाएगा. वाई जेड एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो गए. कर्ली फाई बाय कर्ली वाई को कर्ली फाई बाय कर्ली वाई हमारा एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा. कर्ली फाई बाय कर्ली जेड एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा. नाउ डेल फाई एट पॉइंट 141 इज 8i प्लस जे प्लस 4k. एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देंगे 141 से इसमें. अब हमें डायरेक्शन तो मिल गई कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा. अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी. मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 64 प्लस 1 प्लस 16. सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट 9. नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन द टू सर्फेसिस, कि दो सर्फेसिस के बीच में हम एंगल किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द सर्फेसिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दो लेवल सर्फेसिस के बीच में अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो आप एंगल किस तरह से फाइंड आउट करोगे, जो जहाँ पर लेवल सर्फेसिस इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जो एंगल नॉर्मल के बीच में होगा वही एंगल होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस. एक सर्फेस हमने ये ले ली, सपोज़ ये इसका नॉर्मल है. एक सर्फेस ये ले ली, इसका नॉर्मल सपोज़ ये है. तो दो सर्फेसिस के एंगल वो के बीच में एंगल वो होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा, और नॉर्मल्स आपने कहाँ ड्रॉ करे हैं, जहाँ पर वो सर्फेसिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सपोज़ दो सर्फेसिस हमारी फाई वन और फाई टू है और वो थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है. इट मींस थीटा क्या है, उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल है, क्योंकि दो सर्फेसिस के बीच में एंगल क्या होता है, जो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल होता है. तो अगर इन दो सर्फेसिस के बीच में एंगल थीटा है तो थीटा एंगल होगा उनके नॉर्मल्स के बीच में. और फाई वन सर्फेस का नॉर्मल डेल फाई वन है, फाई टू सर्फेस का नॉर्मल क्या है डेल फाई टू. हमें पता है ग्रेडियंट फाई नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है सर्फेस लेवल सर्फेसिस के. सो थीटा अगर इन दोनों के बीच में एंगल है, ये दोनों वेक्टर्स हैं डेल फाई वन डेल फाई टू वेक्टर्स हैं, तो हम कोस थीटा को लिख सकते हैं डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू ओवर डेल फाई वन मैग्नीट्यूड डेल फाई टू मैग्नीट्यूड. अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो कोस थीटा को हम इसी तरह से लिखते थे ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. यहाँ पर जो दो वेक्टर्स है वो डेल फाई वन और डेल फाई टू है, उनके बीच में एंगल कितना है थीटा. तो ये रिजल्ट आ जाएगा. मीन्स जब भी आपने दो सर्फेसिस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है आप डेल फाई वन और डेल फाई टू फाइंड आउट कर लो, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लो. नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट 2-1-2 बिटवीन द सर्फेसिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एट पॉइंट 2-1-2. हमें इन दो सर्फेसिस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट दिस. जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो हमारा क्या है 2-1-2. तो यहाँ पर पहले हम डेल फाई वन फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट दिस, डेल फाई टू फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट दिस, फिर उनके बीच का हम एंगल फाइंड आउट करेंगे. फाई वन इज लेट फाई वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड फाई टू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0. जेड को आप राइट में ले आए.
नाउ डेल फाई वन इज गिवन बाय करली फाई बाय करली एक्स आई वन, करली फाई वन बाय करली वाई जे, करली फाई वन बाय करली जेड के। फाई वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, फाई वन का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टू वाई और फाई वन का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टू जेड, तो डेल फाई वन आ जाएगा। इसी तरह से डेल फाई टू लिख लेंगे, फाई टू को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे टू एक्स आ जाएगा, फाई टू का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टू वाई और जेड के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो ये हो गया टू एक्स प्लस टू वाई जे माइनस के। अब हम डेल फाई वन और डेल फाई टू टू माइनस वन टू पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स वाई जेड को पुट कर देंगे टू माइनस वन टू रिस्पेक्टिवली। सो डेल फाई वन हमारा हो जाएगा फोर आई माइनस टू जे प्लस फोर के। डेल फाई टू में एक्स वाई जेड को जगह टू माइनस वन टू से रिप्लेस करेंगे तो डेल फाई टू हो गया हमारा फोर आई माइनस टू जे माइनस के कैप। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना था दो सर्फेसिस के बीच में, हमें पता है जो एंगल सर्फेसिस के बीच में होता है वो एंगल हमारा नॉर्मल्स के बीच में होता है, डिफाइन इस तरह से किया है हमने। सो ये हमारे नॉर्मल्स है सर्फेसिस पे, तो इनके बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा सर्फेसिस के बीच में एंगल हो जाएगा। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, थीटा हमने एंगल ले लिया ना, कोस थीटा विल बी इक्वल टू डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई वन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई टू। यहाँ आपने वैल्यूज पुट कर दी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। डेल फाई वन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 16 और डेल फाई टू का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो थीटा है वो हमारा आ रहा है कोस इनवर्स 8 बाई रूट 3 रूट 21। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 1, 2, 3 इन ए डायरेक्शन टूवर्ड्स 5, 0, 4। अब यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फाई का इस पॉइंट पे, और जो डायरेक्शन है वो हमें गिवन है इन ए डायरेक्शन टूवर्ड्स दिस पॉइंट। अब देखो अगर आपको इस तरह से लेवल सरफेस गिवन होता था, इस तरह से ए वेक्टर गिवन होता था, तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का लिखते थे इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट इज डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिखते थे। अब यहाँ पर वेक्टर नहीं गिवन, आपको ये गिवन है ये सरफेस है, ये पॉइंट है, और जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स दिस पॉइंट है। एक पॉइंट आपका ये है 1, 2, 3, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये पॉइंट कहीं Q होगा, कहीं भी हो सकता है। हमें जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट के टुवार्ड्स निकालना है। अब पॉइंट तो हमें पता है 5, 0, 4, तो हम यहाँ से ये पी क्यू वैक्टर निकाल सकते हैं, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू वैक्टर आप निकाल लेंगे। अगर पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो आप पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओ पी आ जाएगा आपका। इसी तरह से क्यू पॉइंट आपको पता है तो आप ओ क्यू लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर क्यू पॉइंट के लिए। ओ पी है आपके पास, ओ क्यू है, तो पी क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी क्यू अब आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, जिस डायरेक्शन के टूवर्ड्स आपने डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जिस डायरेक्शन के अलोंग आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल फाई डॉट पी क्यू का यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। सो फाइंड आउट करेंगे हम, फाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर, डेल फाई इज गिवन बाय करली फाई बाय करली एक्स आई कैप, करली फाई बाय करली वाई जे कैप, करली फाई बाय करली जेड के कैप। आप करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, करली फाई बाय करली वाई की वैल्यू, करली फाई बाय करली जेड की वैल्यू। अब हम डेल फाई फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट 1, 2, 3, हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो एक्स को 1 से रिप्लेस कर देंगे, वाई को 2 से, जेड को 3 से, तो ये हमारा डेल फाई आ गया। अब हमें पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर फाई का हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो वो क्या होता है, डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ये हमने पी और क्यू पॉइंट ले लिए, तो पहले तो पी क्यू वैक्टर निकालेंगे। पी पॉइंट है तो ओ पी पोजिशन वैक्टर लिख सकते हैं, 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप। इसी तरह से ओ क्यू लिख सकते हैं 5i प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। ओ पी और ओ क्यू है हमारे पास, तो हम पी क्यू वैक्टर निकाल लेंगे, पी क्यू वैक्टर इज गिवन बाय ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू इज दिस, ओ पी इज दिस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4i आ जाएगा,
0 माइनस 2 माइनस 2j और 4 माइनस 3 दैट इज़ 1k, पी क्यू वैक्टर फाइंड आउट हो गया। अब हमें इस पी क्यू वैक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखना है, तो पी क्यू का यूनिट वैक्टर निकालेंगे। यूनिट वैक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट दैट इज़ रूट 21। नाउ जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज़ गिवन बाय डेल्फाई डॉट पी क्यू यूनिट वैक्टर, डेल्फाई आपने फाइंड आउट किया है। पी क्यू यूनिट वैक्टर क्या हो जाएगा, वैक्टर पी क्यू ओवर मैग्नीट्यूड, दिस इज वैक्टर पी क्यू, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 8 प्लस 12, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सो दैट द सर्फेस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल्स टू ए प्लस टू एक्स विल बी ऑर्थोगोनल टू द सर्फेस 4x square y plus z cube equals to 4 at point 1 minus 1, 2। हमें a और b constant निकालने हैं, ये given है हमें एक सर्फेस ये है और एक सर्फेस ये है और ये दोनों सर्फेसिस कैसी है, orthogonal, means जो इन दो सर्फेसिस के बीच में एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, ये given है हमें, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है means जिस पॉइंट पर इनका बीच में एंगल 90 डिग्री है वो पॉइंट हमें given है 1 minus 1, 2। लेट द फर्स्ट सर्फेस बी फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड माइनस ए प्लस टू एक्स एंड साई एक्स वाई जेड इज 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4। अब एंगल जो दो सर्फेसिस के बीच में होता है, देखो ये दो सर्फेसिस जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमें पता है दो सर्फेसिस के बीच में एंगल का मीनिंग क्या है, उनके इनके जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच में एंगल, तो उनके नॉर्मल्स फाइंड आउट करेंगे, डेल्फाई फाइंड आउट करेंगे, डेल्फाई हमारा हो जाएगा आई कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, यहाँ से हमारा 2ax आ जाएगा और यहाँ से माइनस ए प्लस टू प्लस जे कैप इंटू कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई यहाँ से आ जाएगा माइनस बी जेड प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड, फाई को जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से माइनस बी वाई आ जाएगा। अब डेल्फाई हमने फाइंड आउट कर लिया एट पॉइंट 1 माइनस 1, 2, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, हमें इस पॉइंट पे गिवन है जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट पे जो उनके नॉर्मल्स हैं उनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री का होगा, सो डेल्फाई फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट 1 माइनस 1, 2, एक्स को 1 पुट कर देंगे, वाई को माइनस 1, जेड को 2, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आ गया डेल्फाई। नाउ वी विल फाइंड कर डेल साई दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ साई, ग्रेडियंट ऑफ साई इज गिवन बाय दिस कर्ली साई बाय कर्ली एक्स फाइंड आउट करेंगे, साई को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 8xy हो जाएगा, साई को जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा 4x स्क्वायर आ जाएगा, देन साई को हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3z स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डेल साई एट पॉइंट 1 माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 8i प्लस 4j प्लस 12k, एक्स वाई जेड को आप 1 माइनस 1, 2 पुट कर देंगे। अब हमें पता है डेल्फाई और डेल साई परपेंडिकुलर है क्योंकि दो सर्फेसिस परपेंडिकुलर है, इट मीन्स उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है, तो डेल्फाई और डेल साई परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लिख लिया आपने, डेल्फाई की वैल्यू लिख ली, डेल साई की वैल्यू लिख ली, ये दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है। नाउ डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 8a माइनस 2 माइनस 8b प्लस 12b, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारी इक्वेशन आ गई माइनस 2a प्लस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये पता है ये पॉइंट हमारा दोनों सर्फेसिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट हमारा इस सर्फेस पे भी लाई करेगा, इस सर्फेस पे भी लाई करेगा, तो इस सर्फेस में हम एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 1, 2 से, जब 1 माइनस 1, 2 पुट करोगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा a, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 2b इक्वल्स टू a प्लस 2 करेंगे तो यहाँ से a प्लस 2x है तो ये हो जाएगा a प्लस 2x की वैल्यू हमारी 1 है, सो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, सिंप्लीफाई कर लेंगे a से a कैंसिल, 2b इक्वल्स टू 2 तो b की वैल्यू हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यहाँ पर पुट कर देंगे a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ माइनस 2a प्लस बी, बी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2a 5 के इक्वल आ गया एंड वी गेट a इक्वल्स टू 5/2, हमें a और b फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट इज इन वट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 1, 3, 2 इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड
equals to 2xz minus y square is maximum. What is the magnitude of this maximum? हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का मैक्सिमम होगा. और जिस पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, देन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है. हमें पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का मैक्सिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई. तो पहले हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड वी नो ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू करली फाई बाय करली एक्स आई कैप, करली फाई बाय करली वाई जे कैप, एंड करली फाई बाय करली जेड के कैप. फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2z आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y माइनस 2y, फाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा. नाउ डेल फाई एट पॉइंट 132 इज गिवन बाय 4i माइनस 6j प्लस 2k कैप. एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दिया 1, 3 एंड 2 से. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो मैक्सिमम होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट 16 प्लस 36 प्लस 4. ये हमारा आ गया 2√14. नेक्स्ट इज शो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट एनी पॉइंट अलोंग द टेंजेंट लाइन टू द सरफेस एट द पॉइंट इज जीरो. या हमें शो करना है अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई का, किस डायरेक्शन में फाइंड आउट करें? अलोंग द टेंजेंट लाइन. देखो ये अगर कोई सरफेस है, अगर हम इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें किसी पॉइंट से, तो हमें शो करना है इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी ए वेक्टर की डायरेक्शन में, सपोज ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में किस तरह से लिखते हैं? डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं. अब हमें जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन. मीन्स जब अब जो ये वेक्टर ए है वो कहाँ है? इस टेंजेंट के अलोंग है. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेल फाई डॉट ए कैप. अब आपने डेल फाई और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ए वेक्टर अब टेंजेंट के अलोंग है. अगर ए वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है और डेल फाई हमारा क्या है? नॉर्मल के अलोंग होता है. डेल फाई हमें पता है नॉर्मल के अलोंग है, ए वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है. तो डेल फाई डॉट ए, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. देखो अब ये जो ए वेक्टर है ये टेंजेंट के अलोंग है, ए वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है. तो डेल फाई डॉट ए कैप ही आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग होता है. अब ये टेंजेंट के अलोंग है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. यही हमने शो करना था. जस्ट हम लिख लेंगे कि ए वेक्टर हमारा टेंजेंट लाइन है और डेल फाई हमारा परपेंडिकुलर के अलोंग होता है. डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट लाइन के अलोंग जीरो होता है. मींस अगर आप किसी सरफेस पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने देखा सबसे मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तो डेल फाई की, मींस नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है, और सब जीरो वैल्यू किस डायरेक्शन में आती है? टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन में. 15th क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी सो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब एट पॉइंट 1, 2, -1 हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड 64 इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस. हमें यहाँ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें ये गिवन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड आउट करें सरफेस फाई के लिए, तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो 64 आएगा, और जो डायरेक्शन आएगी मैक्सिमम वैल्यू की वो आएगी पैरेलल टू जेड एक्सिस. मीन्स हमें ये गिवन है इस फाई सरफेस के लिए अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें एट पॉइंट 1, 2, -1, तो जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो पैरेलल टू जेड एक्सिस आएगी, और जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो 64 होगी. हमें पता है कि अगर फाई कोई लेवल सरफेस गिवन है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई. यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई 64 गिवन है, और डेल फाई की डायरेक्शन
में मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू किसके अलोंग है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। इट मीन्स जो डेल फाई है वो हमारा पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, क्योंकि यहाँ गिवन है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। और हमें पता है थ्योरम से कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डेल फाई के अलोंग होती है, तो डेल फाई पैरेलल हो जाएगा जेड एक्सिस के। करते हैं इसको, फाई हमें गिवन है दिस, डेल फाई फाइंड आउट कर लेंगे। डेल फाई इज गिवन बाय दिस, कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स हमारा हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस थ्री सी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कर्ली फाई बाय कर्ली वाई यहाँ से आ जाएगा टू ए एक्स वाई प्लस बी जेड। कर्ली फाई बाय कर्ली जेड की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी बी वाई, और यहाँ से टू सी जेड एक्स क्यूब के कैप। अब डेल फाई हम एट पॉइंट वन टू माइनस वन कंप्यूट कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड को हम वन टू माइनस वन पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर दिया जस्ट, ये हमारा डेल फाई वेक्टर आ गया। अब हमें पता है ग्रेडियंट फैक्ट फाई क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू किस में किस डायरेक्शन में गिवन है, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो ये वेक्टर हमारा जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो जो एक्स और वाई का कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये कॉम्पोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, ये कॉम्पोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ वैक्टर में ये कॉम्पोनेंट रहेगा। कोई भी वैक्टर अगर जेड एक्सिस के पैरेलल है तो सिर्फ उसमें यही कॉम्पोनेंट रहेगा, ये दो कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारा आ गया फोर ए प्लस थ्री सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी कैन राइट ए बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस सी बाई फोर। इसी तरह से यहाँ से फोर ए माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए की वैल्यू हमने लिख ली बी बाई फोर। अब ये देखो दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, अगर दो इक्वेशन दो ही वेरिएबल होते तो हम सिंप्लीफाई कर लेते सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब यहाँ तीन वेरिएबल है ए बी सी और दो इक्वेशन है, उनको हमने सॉल्व करना है। तो इस तरह से पहले इस फॉर्म में लिखेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस सी बाई फोर, और यहाँ को अगर थ्री से डिवाइड कर दे तो ए बाई थ्री इक्वल्स टू बी बाई ट्वेल्व हो जाएगा। तो ए बाई थ्री को हमने लिख दिया बी बाई ट्वेल्व, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। सपोज दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल्स टू सम लैम्डा, तो ए की वैल्यू हमारी थ्री लैम्डा आ गई, बी की वैल्यू ट्वेल्व लैम्डा आ गई, और सी की वैल्यू माइनस फोर लैम्डा आ गई। ए बी सी फाइंड आउट हो गए। अब ए बी सी को हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो डेल फाई फाइंड आउट हो जाएगा, और हमें डेल फाई की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, ग्रेट मैग्नीट्यूड गिवन है 64। तो आप पहले तो ए बी सी को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो डेल फाई हमारा आ गया 24 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा के कैप, दैट इज 32 लैम्डा के कैप। अब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई इज मैग्नीट्यूड ऑफ 32 लैम्डा, और जो हमें गिवन है वैल्यू वो कितनी गिवन है, 64। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे, मोड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 32 लैम्डा इक्वल्स टू 64। प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, हमने पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लिया तो लैम्डा आ गया, यहाँ पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए 6 आ जाएगा, बी 24 आ जाएगा, सी माइनस 8 आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू से हमें फाइंड आउट करनी थी। सो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है, जो सिमिलर क्वेश्चंस है वो आप ट्राई कर लेंगे। थैंक यू।